एक ऐसी कमेंट जिसको देख करके बुरा भी लगता है और अजीब सा भी लगता है, वो कमेंट क्या है? तुम इतना बोलते क्यों हो? इस कमेंट का रिप्लाई देने से पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन करा दूं। हाय एवरीवन, मैं विशाल और हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डियर, आप जो भी हो, आपका नाम मैं यहाँ पे नहीं लूंगा, पर आप जो भी हो मैं वीडियो में नहीं बोलूंगा तो कौन बोलेगा? चुप रहूंगा। ऐसा मान लीजिए मैं ऐसा बैठ रहा, ऐसा ही बैठ करके वीडियो बनाओ, ओनली ऐसा देखता रहो वीडियो में, तो लोग मुझे इसलिए देखते हैं कि उनका हेल्थ अच्छा हो, उनको कुछ इन्फॉर्मेशन मिले, इसलिए वो मेरी वीडियोस देखते हैं। तो मुझे बोलना तो पड़ेगा, बिना बोले मुझे वो लैंग्वेज नहीं आती, आंखों आंखों से कैसे बताते हैं वो तो मुझे बोलना ही पड़ता है और अच्छा खासा बोलना पड़ता है। तो डियर, आप देखना चाहते हो इस चैनल को तो देखिए बिल्कुल, पर ऐसा चुपचाप बैठ करके, मैंने तो किसी का वीडियो नहीं देखा जो चुपचाप ही बैठा हो, सिर्फ बोलना तो पड़ेगा ही ना। तो बस यही था इस वीडियो में, ये हेट कमेंट नहीं था, पर अजीब लगता है ऐसी कमेंट करने वाले लोगों के बारे में कि सीरियसली उनके लाइफ में कितना टाइम होता है लोगों को स्क्रैच करने का, उनको दूसरों को हर्ट करने में कितना मजा आता है लोगों को। बस यही है, इस वीडियो में कोई हेल्थ रिलेटेड बात नहीं बताई, उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि हेट कमेंट का रिप्लाई देना बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि वो मेरे सर पर चढ़ करके नाचने लग गए थे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शायद वो भी हेट कमेंट का रिप्लाई ही हो या फिर हेल्थ के रिलेटेड हो, पर हेल्थ के रिलेटेड हुई तो आप लोगों को बेनिफिट है, ये भी हुई तो आप लोगों को बेनिफिट है, क्योंकि आप लोगों का थोड़ा मनोरंजन भी हो जाएगा इन कमेंट से। वैसे तो आप कमेंट पढ़ते होंगे नीचे स्क्रॉल करके, तो आप लोगों को दिखता होगा ऐसी गंदी गंदी अलग तरह की कमेंट्स, जो कि मेंटली सिक लोग ऐसा करते हैं। फिजिकली सिक कैसे हो सकते हैं, मेंटली सिक।